नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है दीप क्लासेस में। मैं विकल्प कुमार एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने जनवरी और फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा की थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उन सभी पॉइंट को नोट भी कर लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा। आज हम मार्च के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे और आज दिवस के साथ साथ इनसे जुड़ी अन्य जानकारियाँ भी आपको बहुत सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। मार्च के महीने में सबसे पहले जो 1 मार्च आता है इसको मनाया जाता है पूरी दुनिया में शून्य भेदभाव दिवस या जीरो टॉलरेंस डे। शून्य भेदभाव दिवस आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद 3 मार्च, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 में एग्जाम में। 3 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस। इसके बाद और आगे की तरफ चले 4 मार्च, 4 मार्च को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। इससे जुड़े कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सड़क सुरक्षा अभियान। सड़क सुरक्षा अभियान के प्राइम एम्बेसडर अक्षय कुमार जी को बनाया गया है। एक पॉइंट आप ये लिख लेना, सड़क सुरक्षा अभियान इनके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी 2019 का महत्वपूर्ण बनता है करंट का क्वेश्चन, किस राज्य में सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौतें हुई है 2019 में? क्वेश्चन ये है, वर्ष 2019 में किस राज्य में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में मौत हुई है? तो इसका आंसर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें सड़क दुर्घटना में 2019 में सबसे ज्यादा मौतें हुई। अब जब तमिलनाडु की बात आई है तो इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोगों को याद कर लीजिए। तमिलनाडु की राजधानी सभी लोग जानते हैं चेन्नई। देखिए जैसे तमिलनाडु का जिक्र आया है तो तमिलनाडु के बारे में आपको 2-4 पॉइंट पता होना चाहिए। यही आपका जीएस का स्टैंडर्ड है। आप लोग वन लाइनर फैक्ट सारे कभी याद नहीं कर सकते, सारे याद कर पाना असंभव है, वो संभव नहीं है। लेकिन आपको कोई भी एक पॉइंट बताइए उसके बारे में अगर आपको 2-4 बात अलग से पता है, यही आपकी जीएस का स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से आप लोग याद करते हुए चलिए और आपके एग्जाम्स के लिए इतना बहुत काफी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, सभी को पता है चेन्नई का पहले नाम क्या था? मद्रास। चेन्नई का पहले नाम था मद्रास। अब यहां से क्वेश्चंस और भी बनते हैं। मद्रास का अच्छा खासा क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम्स में, 2 क्वेश्चंस बनते हैं मद्रास के। पहला तो ये, मद्रास भारत का सब बनने वाला सबसे पहला नगर निगम है। भारत का वह कौन सा स्थान है, वह कौन सा शहर है जो सबसे पहले नगर निगम के रूप में प्रस्तुत हुआ था? यह मद्रास है। 1687 में, 1687 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में। एक क्वेश्चन आरटीएफ में आया हुआ रेलवे में कि मद्रास का नाम चेन्नई कब किया गया? मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई कब किया गया? तो ये 17 जुलाई 1996 मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई कर दिया। इसके साथ साथ आपको तमिलनाडु के सीएम की भी जानकारी होनी चाहिए और गवर्नर की भी जानकारी होनी चाहिए। तमिलनाडु के सीएम की बात की जाए तो ई के पलानीसामी यहाँ के सीएम है और गवर्नर यहां के बनवारीलाल पुरोहित। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें तमिलनाडु 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे जो चर्चित राज्य रहा था। शायद बहुत कम लोगों को जानकारी हो, आपको पता है कि भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं, कुल भारत में लोकसभा की सीटें 545 है। 545 में से 2 कैंडिडेट आपके मनोनीत किए जाते हैं और 543 पर आपका इलेक्शन होता है। 543 सीटों पर लोकसभा के भारत में चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस बार भारत में
542 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, एक सीट गायब थी, एक सीट जो गायब थी वो तमिलनाडु का एक स्थान पड़ता है वेल्लोर, तमिलनाडु का एक स्थान पड़ता है वेल्लोर, वेल्लोर की सीट पर भारी कैश यानी कि बड़ी मात्रा में यहां से कैश बरामद हुआ था, इसलिए लोकसभा 2019 के चुनाव में वेल्लोर सीट पर कोई चुनाव नहीं होता। तो आपके इस बार 542 सीटों पर इलेक्शन होगा। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तमिलनाडु से थी। इसके बाद आगे की तरफ चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आगे की तरफ चलें, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सभी लोगों को इसकी जानकारी है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इससे आपको जानकारी और जुड़ी बता दूंगा। इस महिला दिवस की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में 1909 में अमेरिका का एक शहर पड़ता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में महिला दिवस की शुरुआत हुई थी 1909 में यूएस। अब बात न्यूयॉर्क की आई है, तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पड़ता है आपका? हडसन नदी के किनारे। इसके अलावा यूएसए, यूएसए की कैपिटल आपकी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, डीसी को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? एक नदी यहां पड़ती है पोटोमैक, पोटोमैक नदी। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है, और जो अमेरिका के यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है वो किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे। एक शहर वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते बहुत चर्चा में चल रहा है, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन आपसे यहां से बन सकता है कि अमेरिका का अभी तक का वह कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित रहा है? तो वो न्यूयॉर्क है। अकेले न्यूयॉर्क में लगभग 20,000 के आसपास मौतें हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते। इसके अलावा आगे की तरफ और बढ़े और दो पॉइंट और सुन लीजिए आप लोग। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है 4 साल के लिए नियुक्त, अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुने जाते हैं, और एक ही व्यक्ति अधिकतम 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, एक ही व्यक्ति अधिकतम 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकते हो। तो ये अमेरिका से जुड़ी कुछ जानकारी थी। इसके बाद आगे की तरफ चलिए हम, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार। आगे की तरफ और चले तो 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस। यहां से क्वेश्चन आपके लिए बनता है, 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 131 हुआ है, अपने भारत का स्थान 131। तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है 2019 की रिपोर्ट में? 131 यानी कि 131। इसके साथ ही साथ पहला स्थान इस सूची में नॉर्वे का है, ये भी क्वेश्चन इसके पूरे पूरे चांस बनते हैं। इसके बाद 20 मार्च को आपका दूसरा दिवस और मनाया जाता है विश्व गोरैया दिवस, या इसको बोलते हैं स्पैरो डे, विश्व गोरैया दिवस या स्पैरो। आगे बढ़े 21 मार्च को आपका विश्व कविता दिवस या वर्ल्ड पोएट्री डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इसके साथ साथ एक दिवस और ही मनाया जाता है विश्व वन दिवस। वन दिवस आपको कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है वन दिवस। 21 मार्च कई एग्जाम्स में आपको हर चौथे पांच एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। इसके बारे में अगर और इससे जुड़ी जानकारियां देखें वन दिवस से, एक पॉइंट बनता है कि किसे भारत का वन मैन कहा जाता है या फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एक नाम आता है जाधव,
मोलाई प्याम। पिछले 2 सालों से ये नाम बहुत चर्चा में चल रहा है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और आगे भी बहुत ज्यादा चांस इससे क्वेश्चंस आने के हैं। एक नाम है जाधव मोलाई प्याम, इन्हें भारत का फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप इन्हें ग्रुप में जाना जाता है। इनकी एक छोटी सी कहानी है, ये असम के रहने वाले हैं। असम में एक जिला पड़ता है जोरहाट, जोरहाट जोरहाट डिस्ट्रिक्ट आपका असम में पड़ता है, यहाँ के रहने वाले हैं। जब ये 16 साल की उम्र में थे, 10वीं क्लास में पढ़ा करते थे, तब इनके क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ गई थी, तो बहुत सारे जीव जंतु मारे गए थे, तो इनसे इनको बहुत हताशा हुई थी और उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि प्रकृति को बचाना है। इन्होंने अपना सुझाव लोगों के सामने भी रखा, बहुत सारे अधिकारियों के सामने भी रखा, लेकिन इनका उपहास ही उड़ाया गया। फिर भी कुछ लोगों ने इनकी मदद की और इनको कुछ पौधे दिए। ये पौधे लगाना चाहते, ये प्रकृति को बचाना चाहते थे और पेड़ पौधों को लगाना चाहते थे। खैर इनको स्टार्टिंग में 20-25 पौधे दिए गए कि आप लगा सकते हो। इन्होंने 20-25 पौधे लगाए, उनको पानी देना शुरू किया, इसके बाद और पौधे लगाने शुरू किए और लगभग 35 साल के सफर में आज वर्तमान में 1350 एकड़ के लगभग इनके द्वारा बनाया गया एक वन है, जिसमें एक सींग वाला गैंडा जो लुप्त होने का बात करता वो भी पाए जाते हैं और बंगाल टाइगर भी इधर पाए जाते हैं। तो इन्हीं को इनके कार्यों से खुश होकर के जेएनयू जवाहर यूनिवर्सिटी जवाहर